الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وصحابه المتصفين بأدابه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قُلْ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ قَالَ فَخُذْهُنَّ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم قبل تو پہ پنجابی دے سکوں اے بندہ مینوں بار بار آکھدا ہے کہ اردو دے وچ گفتگو کیتا پر اردو دی گفتگو کیتا پر تسی مینوں اجازت دے میں آکھو کہ میں اوے کروں فرماؤ نظرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہدیہ درود و سلام پیش کر حمد و ثنا تو بعد تہاڈی محبت اور تہاڈی غلام دا شکریہ بڑی محبت دے نال تساں سانوں بلایا عزت کریم دیتی اللہ پاک تھا اس کی دریا عطا آمین آن دا مقصد اور تہاڈے آن دا مقصد صرف نشستان دے گفتان دے بس خاصتان نہیں کہ کچھ سنیا سنایا بیٹھے اٹھے جگہ تک اس کا آپ صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہے اور تقریباً تمام موضوع ہر لحاظ سے نال اللہ کی ذات پاک کی توحید کا ذکر ہے مومن کی زندگی کا مقصود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور حضور کے اخلاق حمیدہ اور افضال حضور دے بے مثلیت کا ذکر یہ تمام مضامین کا گلدستہ ہے جڑا تسی سنیا ہے اور بغیر کسی شور شرابے تو اور بغیر کسی ریاکاری دے الفاظ اور بیتوں تو اللہ دی ذات پاک اپنے فضل دے نال سنن دی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک دے وچ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى کہ یاد کرو محبوب جل جلالہ کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے پروردگار میں خواب تو نہیں ہوں کہ کس طرح زندہ کرنا ہے مردے تو انبیاء علیہ السلام دا جڑا اللہ دی ذات پاک دے نال تعلق ہے نا او اے تعلق نہیں جے میں اسی اپنا تعلق ہے کہ دوسرے نال سمجھ دے اللہ دی ذات پاک دے نبی جڑے نے خدا دے نائب ہوندے نے اس زمان اس جہان دے
और बराए रास्त मालिक करीम दे नालों ऐसा ताल्लुक जिहड़ा अकल फकर समझ जड़ी है ईमान वो अकल ज्यादा दिंदे नाल ये समझ आती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बारगाह है रब्बुल इज्जत दे विच और जिन्ना अंबिया अलैहि सलाम दी की वजह है तकरीम है कि इज्जत है ये हजूर ने सवाल किया अर्ज़ की बारगाह है रब्बुल इज्जत दे विच कि मारे करीम मैं इसका मुशाहदा करना चाहना हूँ वेखना चाहना हूँ कि तू मुर्दे को किवें जिंदा करता है। इसका अल्लाह पाक ने फरमाया कारा वालम तो में यार आपने फरमाया अल्लाह पाक ने फरमाया क्या तुम्हें ये उसी ऐसे यकीन नहीं रहते तो कि मैं मुर्दे को किवें जिंदा करूँगा काला गला हज की थी ईमान है वला के लिए जब पाइना कर गई लेकिन इस वास्ते कि मैं इल्मत यकीन तो ऐन यकीन करना चाहना चाहता मुशाहदा करना चाहता मुशाहदा अल्लाह पाक ने फरमाया कि फिर मुशाहदा करना चाहते थे कि किवें मुर्दा जिंदा होता है काला फखुद अरबा तो मेहनत कह रहे फसुर होना ही रहेगा हुक्म आया के पकड़ो चार जानवर चार तरिंदे जानवर के तरिंदे फिर उन्होंने मानूस कर लो अपने नाली तरफ पायल हो जा तो सियाना लग पाए मैं अपना मोटा तर्जमा थो मानूस हो जान मैल हो जान पे सुबह जल अला कोई दिन जमा दिन मिन होना चाहता फिर उन्होंने हर एक जिबा करके उन्होंने खंभ ला के टुकड़े टुकड़े करके सारे के गोश्त मिला के उन्होंने तुम एक एक दी जो टुकड़े को पहाड़ पर रख दो लैदा पहाड़ पर रख जिस वक्त ये सारा काम हो जाए कि जिबा भी अपने हाथ मुबारक न करो फिर उन्होंने गोश्त मिला दो फिर उन्होंने बोटियां कितने रखो पहाड़ के पहाड़ा उ रख दो सुमा तो हुना या दीना का साइया फिर तुम उन्होंने बुलाओ कि फलाना आ जाए वो जुदा पहले कट्ठिया हो फिर खांब बनेंगे फिर पग बढ़ने फिर थले पहुंचे बनेंगे वो थोड़े को आएंगे दौड़ते हो जाए कि आ जाएंगे सवाल भी तुसा सुनया मालिक करीम का फरमान भी तुसा सुनया और फिर उस फरमान की पजीराई भी तुसा सुनी कि अपने हाथ मुबारक नजीबा करके उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके सारे का गोश्त मिला के फिर मुख्तलिफ पहाड़ों के उत्ते रखना फिर तुम उन्होंने सदना वो दौड़ के आ जाएंगे अल्लाह पाक ने फरमाया वालम फिर इस गल यकीनन जान लो अल्लाह हाजिज हकीम अल्लाह तआला सब ते गालिब है बड़ा तनाव की तो काम पैदा फरमान वाला ये उच्चों जानवर का जिक्र है कुरान पाक में लेकिन वो किड़े किड़े ने मुख्तलिफ मुफसरीन ने अपने कई जिक्र फरमाया मैं आदर्श रोम के जरा नजदीक ने वो जिक्र करना चाहता ने फरमाया एक तो सी काम दूसरा सी बतख और तीसरा सी मुर्ग और चौथा सी मोर तो इन्हों चौ जानवर जीबा करन दा ते फड़न दा हुक्म दिता गया तो हर एक जानवर की मौला रूम ने अलग अलग वजह बयान की इन्हें चौं नूं जीबा करन दा क्यों हुक्म दिता गया इनकी हिकमत की है
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਪਾ ਕਰੋ, ਬਤਖ ਨੂੰ ਦੀਪਾ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਦੀਪਾ ਕਰੋ ਔਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਦੀਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਅਲਹਿਦਾ ਅਲਹਿਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਹਾਤ ਅਤੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਫਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਤਖ ਨੂੰ, ਮੁਰਗ ਨੂੰ, ਮੋਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਤਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਹਿਰਸ ਬੜੀ ਹੈ, ਖਾਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹਰੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਰਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਕਲ ਉਲਾ ਤਾ ਕਿ ਰੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਰੱਜਦਾ ਉਹ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ਼ਾਤ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸਤਾਈ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਬਣੀ। ਔਰ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂ ਕਰੋੜੀਆ, ਵੀ ਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹਯਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਕਾ ਕਰੋੜੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਵੇਂ ਬਣ ਕੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੋਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਖੁਦ ਸਤਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਮਾ ਵਕਤ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਮਿਲਦਿਆਂ ਜੁਲਦਿਆਂ ਹਮਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਅਤੇ ਮਕਸੂਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਸਮਝਦੇ ਪੈ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਨੁਮਾਏ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਆਜਿਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੀ ਗਾਇਤ ਤਜ਼ੱਲੁਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਜਦੇ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਕੁਰਬ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਜਦਾ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਿਬਲਾ ਰੂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਥੱਲਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ
इबादत दबा दे गरूर आ जावे और जिन्हों वेखे वो बंदा तो उस दे विच एक तकबर और गरूर दी शान पैदा हो जावे भी ये बंदा जेड़ा ये भी दुनिया ते रहन दे काबल है और हमा वक्त इस गल दे विच वो मसरूफ होवे कि मैं बड़ा ही नेक हां मैं बड़ा ही नेक हां तुसी इहदे ते गौर करो कि दुनियादार ने दुनिया के काम किए इस वास्ते कि लोग मेरे गर्विदा हो जाए और अगर इबादत का मकसूद भी यही निकले कि बंदे मेरे गर्विदा हो जाए और मेरी तारीफ करें तो सोचना चाहिए है कि दोवें जाते तो पै ने लेकिन फर्क की ना हुआ है कुफर अदका बाबा खेजत गुजा मानद मुसलमानी कि यावत भी है इबादत भी करता पाया है सिराते मुस्तकीम ते भी चलने आया है लेकिन मकसूद का पता नहीं कि मैं इबादत किस वास्ते करना और मालिक ने फरमाया कि तेरा सजदा मेरे नजदीक इस वास्ते कि मैं तेनु अपना कुर्ब नसीब करूं तो रूमी फरमाते ने कि ये जेरी खसलत है खुद नुमाई दी ये मौत दे विच सी तो फरमाया कि मुझे पता की मकसद के कदवे मोमेंट के अंदर खुद सताई और खुद नुमाई अपने आप को बना के वखाना जबाइश करके वखाना फरमाया ये खुद सताई की जड़ी आदत है ये दिल के बिचों कढ़ के इन बाहर ना रखेगा ना तो फिर ये मोर की तरह तेरी पैर तो होगी लेकिन उनका असर अगर कुछ भी नहीं समझ आ गई जी गल इस तरह ख्वाहिशात नफसानी मुरगे कि वह हमा वक्त खास का पाबंद है और खास का वो तुम वेखते रहते इस तरह पता है कि वह पानी के मूँह मारी रखती है तो उन्हें मूँह चलता रहता है जी भी उनकी खुराक है नालियों तो खाधी भी जाती है तो बस भी नहीं करती हरीस जरा है उसकी अख भी नहीं भरती समझ हरीस जरा है उस सब कुछ मिल जाए लेकिन उसके बावजूद जरा है उसनों राज्य नहीं आता ये बीमारी है इस मुल्क मैं थोड़ा जो तो दर्द करना मेरे वाले साहब एक गल फरमाते सन कि गरीबों के हजारा बंदे रजे वेखे तो अमीर के एक बंदा भी रजिया नहीं वेखे गल मैंने सुनी गरीबां ने कीता वह सारे रज्जा कीता है ते अजे तक भी वह रजे नहीं रजे ते रजना भी होना नहीं क्यों इस वास्ते कि हदीस में कभी भी जी है ना जूल बकर की बीमारी है भुख जी है ना जूल बकर की एक बीमारी है कि उस बंदे की भुख नहीं पी वो खाली भी जाता है तो नाल नाल जरा है ना वो जाया भी होता जाता है कि वह बीमारी है वे उधरों खाधी जाता है तो उधरों फुजला बन के निकल जाता तो ये जूल बकर की बीमारी है हरीस की ये मिसाल है कि वो फरमाया इस वास्ते फरमाया क्या है कि बतख नूजी बकर और ते मोर भी आ गया ते काम तो फरमा देने कि काम का हुक्म इस वास्ते दिता गया है कि ये मरण का नाम नहीं लेता मौत में अजाब समझता भी मौत नहीं होनी चाहिए एक गल तुसी समझी मौत ए, मौत तो बड़ा है मौत नहीं होनी चाहिए मौत जी है इस वास्ते आदि कां करोड़ी है अर्श रूम इसे गुफ्तगू करते हैं कां की लम्मी हयाती है तो बड़ी ढेर चीज जींदा है तो फरमाते ने कि जेड़ा वो लम्मी हयाती अस मंगता है ना फरमा देने कि शैतान ने भी बारगाह रब्बुल इज्जत दे विच आख्या सी कि मैनू लम्मी हयाती दे ताकि मैं तेरे बंदे नू गुमराह करा तो फरमा देने कि लम्मी हयाती का सवाल जरा है कि किहड़ा सवाल है
कांदा होया फरमाते ने शैतान ने भी अल्लाह को इयो कुछ ही मंगया सी सुभान अल्लाह ओंदा मफहूम मैं तकवर दी पे करना मैं पढ़ना मैं दसना नहीं ते फरमाते ने कि कां दी जिंदगी जेड़ी है उंदे ते तुसा गौर कीता है वे जिंदगी च करता की है ये लंबी भी हुई आती है वे वो करता की है वे हयाती जो मिली ते जिंदगी भी हुई ते जिंदगी दा कोई गुजारन दा तरीका ते मंशूर भी तो होंदा ने भी मैं आ करना है अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून कि मैं जिन्ना और इंसान की तकदीर इस वास्ते फरमाई है कि तुसी मेरी बारगाह ए हजरत च शुक्र करना इबादत करनी इबादत वास्ते पैदा और इबादत का मकसूद भी सिर्फ शुक्र इबादत मुरादियत तुहाडे दिल दे विच आवेगी आपकी इंकसारी ते मैं उसनु कबूल फरमावांगा ते मैं तुहानु अपनी मारफत और पहचान नसीब करूंगा इबादत का मकसूद भी इरफाने खुदावंदी की मकसूद है जन्नत हिसाब किताब हर शय है लेकिन इबादत का मकसूद अल्लाह की जात पाक ने अपनी पहचान फरमाई वो इनाम खुदा बंदी है जो भी उसने अता फरमाना है तो इस तरह मैं अर्ज करना ने इस बयान किया है तुसी सारा मफहूम समझ लिया है ना तो इसके उत्ते तुसी गौर करना ते ताकि मजमून भी तुहानू समझ आ जाए सब तो पहले मैं तुहानू अगर सलमान शहीद की एक रुबाई उन्होंने सुनो ताकि तुम्हारे दिल की जी तवज्जो इधर हो जाए इना फरमाते ने हर कस्ब से बागे जहां दीद व गुजश्त कि हर किसी ने जरा खास का कैदी सी ना दुनिया के बाग नू वेख्या ते चला गया आया भी हुए तो फिर जाना भी था है ना इतने तो नहीं पै रहे तो फरमाया कि हर इंसान जरा खास का पाबंद खास का कैदी है ना उसने दुनिया के बाग नू वेख्या तो फिर चला गया खारो गुले पज मुर्दा बहम जीदो गुजश्त कुछ उसने करते कटे किते मुरझाए फुल उसके दामन के विच चुने तो फिर चला गया की किया उसने हर शायद जो कट्ठा किया जो कट्ठा किया फरमाया कंडिया की सूरत सी आपके आखता रहे मैं फुल कट्ठे पै करना फरमाते ने कि फुल मुरझा गए सारे जेडे तू कट्ठे करता रहा रूमी एक जगह से इरशाद फरमाते ने कि तू एक जाल ला के बैठा है और उस जाल के बीच तू गिरफ्तार करना है या मेरा दोस्त या मेरा सज्जन है या मेरा बड़ा बा वफा औलाद है सारा कुछ है जनाब फरमाने ने कि एक वक्त ये आ जाना है कि इस जाल दे विच किसे नहीं रह जाना वो तुसी अपने आप मुशाहदा पे कर लेजे कि औलाद की इज्जत माँ बाप की दिल दे विच माँ बाप की इज्जत औलाद के नाल मोहब्बत और खुद खुदा की पाई हुई है लेकिन जिस वक्त दरमियान हीरस आती है लालच आता है तो वो ताल्लुकात बिल्कुल की हो जाते हैं मुनकते हो जाते हैं फरमाते ने कि जो जाल है तू फड़ फड़ के गिरफ्तार करना है ना कि मैं नेकी नेकी करना तो बंदे के नाल चलना वो एक तेरी वो जी रवायश है पैर पाना पै फरमाते ने जाल च किसे रहे या फरमाते ने कि अद्धी उम्र तो सारी जाया हो गई इस गल च भी मैं आ खिदमत की मैं आ खिदमत की मैं आ वर्तारा किया मैं तो उस तो बाद अद्धी गिले च लंघ गई कि मैं उनके नाल आ किया उन्हें मेरे नाल आ किया समझते पैदे कि नहीं गल तो फरमाते ने कि जाल ला के बैठा है जाल के बीच तू फड़े ने लेकिन जाल खाली हो जाने के रहना कि जिस वक्त सारे चले गए तो फिर की होना है फरमाते ने होना यह है कि अलबत् तू उस जाल के विच आप जरूर फस गया कि जो कुछ तू करन आया सी वो तू ते जेड़ा कीता है वो किसे काम नहीं आया तो फरमाते ने कि गिरफ्तार करन आली ते फड़न आली एक शय सी वो सी अल्लाह की जात पाक दा इश्क जे तैनू नसीब हो गया
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਤੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਲ ਲਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਫੜੀਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और हर कोई तेन जवाब दे जाता है, तो उस वक्त तू एक गल आखना है कि सारे छड़ गए पर खुदा तो नहीं ना छड़ता। तो फरमाया इश्क में गोयद बगोशम पस्त पस्त, अल्लाह की जात पाक दी रहमत मोहब्बत की दिशत की सूरत के जगे तेरे कान च एक गल आखदी है हौली हौली, ओ की है शायद मोदन बेतरा सयादी दस्त अखी शिकार ही बनन दे नालो शिकार हो जाना बेहतर। सुभान अल्लाह, ते तैनू वो कबूल कर लवे अगर तू उस दे जाल च फस जावे, ते जेड़ा कि इश्क दे जाल दे विच फसदा है उही ही कामयाब है। फरमाते दिल नजरे नाज करते फिर बेनियाज हो जाओ, कि किसे नाज वाले दे दिल दिल नजरे नाज करते किसे हसीन दे सामने नाज वाले दे सामने ऐसे दिल पेश करते, दिल नजरे नाज करते फिर बेनियाज हो जाओ, महमूद फिर बनेगा पहले अयाज हो जाओ। फरमाते ने तो गुलामी इख्तियार कर ओ जरा तेनू गिरफ्तार करता पे अल्लाह की मोहब्बत के जाल में फंस गयो। फरमाते ने सारे जहान तो तुकम तो फरमाया हर कस पर हवस बागे जहां दीलो गश्त, अगर जिस किसी ने खास था जरा असीर सी खास था कहती सी हरीस खास था कहती कि अभी मिल जाए अभी मिल जाए अभी मिल जाए अभी मिल जाए। फरमाते ने उन्हें दुनिया के बाग में वेख्या, दुनिया गुलशन है हसीन, इनकी हर शय हसीन है, क्यों कि अल्लाह की जात पाक ने इंसान को इस दे विच पैकरे हुसन बना के कर दिया, तो हर शय हसीन है, इसकी खूबसूरत है, वो अपने वजूद के नाल अपने शहद में अपने मालिक की तरफ तेरी रहनुमाई करती पई है कि मेरे खालिक नु वेख मेरे हुसन नु ना है मेनु वेख के ते अपने खालिक ने तो फरमाते ने खाले खारो कुले पंज मुर्दा बहम चीदो गुजाइश, तो उसने कंधे ते मुरझाए फुल के अपने झोली ते छिपाए ते चला गया। तके फरमाते ने की सूरत हस्ती के तमाम शमा नास्त, तेरा जरा होना है ना तेरा हस्ती के मैं हाँ, जरा फरमाते ने तेरी जरी सूरत है ना होने वाली ये सारिया माना दी की है जान है ये सारा माना, अफसोस पर आंकस के नफा मी तो गुजश्त। फरमा देने से अफसोस उस इंसान के उत्ते कि जिसने इन समझा नहीं कि चला गया कि मैं की शाया मैनू अल्लाह की जात पाक ने की हुसन और की तो अल्लाह पाक ने इंसान नो अफजल किया है, फजीलत अता फरमाई है, ताजे करामत इसके सिर के उत्ते रख्या है। फरमा देने अफसोस उस इंसान के उत्ते कि उसने बाहर तो सारा कुछ वेख्या नहीं वेख्या तो अपने आप को नहीं वेख्या, उन्हें अपने आप को नहीं समझिया और ना ही उसते और चला गया कि कह रहा है तो एक ही गल है जी मैं अर्ज करना मजमून सारा एक ही है। तुसी हजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह मोहयुद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी आपका नाम मुबारक भी सुनिया, अकीदत और मुहब्बत भी रखते जी और सारे जहाना के बेच उन्होंने बदले जाने वाले ने, यह नहीं भी नहीं जरा अल्लाह की जात पाक की तरफ ही नामे खुदाबंदी हों वो थोड़ा नहीं हों वो महदूद नहीं हों ना महदूद समझते पे हजूर के साहबा इकराम आप नहीं वेख्या हो ना बिलाल वेख्या ना सुहैब रूमी वेख्या है समझते पे ना सैयद उमरे फारूक वेख्या है ना खुबैर किसी की ज्यादत रतता नहीं की, लेकिन दिलों के अंदर उन्होंने जी मुहब्बत है वो उगर दी गई, वो ईमान है जरा तेरा रबता वो कायम करता है, जिनकी निस्बत खुदा खुदा के रसूल के नाल बेमिसल निस्बत है वो दिलों के उकरी गई उन्होंने मुहब्बत। फरमाते बर गर्मे रंग बर गर्मे बर बर संगे गर्मो तपा या नबी बगुफ्त,
بر ریگ گرمو سنگے تپاں یا نبی بگفت بر ریگ گرمو سنگے تپاں یا نبی بگفت جنہ تپ دی ریت دے اُتے تے گرم پتھر دے اُتے بھی نعرہ توحید بلند کیتا عالم گواہ عشق بلالے محمد رسول ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜਹਾਨ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਪਏ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਪਰ ਰੇਗੇ ਕਰਮੋ ਸੰਗੇ ਤਪਾ ਯਾ ਨਬੀ ਬਗੁਫਤ ਆਲਮ ਗਵਾਹ ਇਸ਼ਕੇ ਬਲਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਤ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਿਲਾਲੇ ਹਕੀ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਵਫਾਤ ਤੁਰਬਤੇ ਮਾਦਰ ਜ਼ਮੀ ਮਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਸੈਯਦ ਨਾਬੂ ਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਔਰ ਕਈਆਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸੈਯਦਨਾ ਗੌਸੇ ਆਲਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸੁਣੋ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਖਾਨਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਖੁਤਬੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਇਹ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਬੀ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਨਾਬ ਸੁਣੋ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਦੇਖੇ ਇਹ ਚੰਦ ਲੰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ 100 ਸਾਲ ਹੈ 80 ਸਾਲ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਮਾਲੂਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਾਵੇਂ 200 ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਰਾਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਪਰ ਸਭ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੌਦਾ ਸਰਫ ਲੈ ਆਈਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਫੇ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਮਝਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਸੌਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇਰਾ ਸ਼ਊਰ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਲ ਔਰ ਸਮਝ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਪੂਛਦਾ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ ਸੌਦਾ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਤੁਮ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਕਰੋ ਮਗਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋ ਆਖਰਤ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਤੁਮਕੋ ਨਫਾ ਦੇ
फरमाते ने कार का हयात है तो काम करना है अपने करना है। फरमाते ने वो चीज खरीद, वो चीज खरीद के जेडी तेनू एक नवा जहान आन वाला है ना, ओ दे तेनू नफा दे, ओदे च कई तेनू देवे नफा दे। ओ सौदा खरीद के जेड़ा नफे वाला सौदा है के जिसले बाजार बंद होवे ते ओ सौदा जेड़ा तेरे कोल होवे ओ तेनू नफा पंज सौदा होवे। फरमाते ने क्योंकि परखने वाला यानी हक तआला शान हू बड़ा दना है, उसके सामने खोटा सिक्का चलने की तवक्को हरगिज मत रखो। फरमाते ने मैं जेड़ा अर्ज तुहानू कीता सी भी अल्लाह दी जात पाक दा जिक्र ते उसकी इबादत करना ते उनदे विच खुद सताई ते रिया दा दखल होवे ते ओह सौदा अल्लाह पाक रियाकार दी इबादत नूं कबूल नहीं करता। हजूर रस पाक में फरमाते ने कि तेरी जिंदगी अल्लाह की जात पाक ने अपने याद और इबादत वास्ते दिती है। जिसम दे तेरे जिन्ने भी चीज़ा ने उन्हें सारिया नेमता पैदा किया है, औलाद दिती तेनू, मालो जर दिता, तेरे खान का निजाम कायम किया, फसलों की सूरत सवारियों की सूरत मशरूबात की सूरत फलों की सूरत ये सारा बाजार सजा दिता है मालिक करीम ने। फरमाते ने कि हर शायद तू अपने जिस्म के वास्ते खरीदना है, खाश वास्ते खरीदना है, कभी ये नहीं सोचा ही कि मैं अल्लाह वास्ते की खरीदना। अल्लाह पाक ने फरमाई अल्लाह अश्तरा मिन अल मोमिनीन अनफुसहुम मालहुम जन्नत व जन्ना, कि अल्लाह की जात पाक फरमाते हैं अल्लाह ने अश्तरा मैं मोमन के कोलो खरीद लिया उसका माल और उसकी जान। कभी किसी गौर इसे किया है कि जरा मेरे को माल है मेरा है दावा है ना कि मैं आ किया मैं आ किया मैं अकल शौर के नाल किया मैं अपने बच्चों वास्ते आ बनाया मकान बनाया। अल्लाह पाक फरमाता है कि जिस माल के उत्ते तू दावा पे करना है कद गौर न सोच का ये माल तेरा ये जान जिंदे तो आना कि मैं इस जान को बड़ा मारिया तो नड़ा कुछ किया है। फरमाते ने कभी इस पर भी गौर किया है कि जान ने तेन किन्ने अता की थी। तो फरमाया कि माल भी तेन दिता है वमिमा रजकना हम युनफिकून, अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो असां उन्हें रिजक दिता उनके विचों खर्च करते हैं। जिथे इंफाक फिला का जिक्र आएगा इस चीज़ का नाल जिक्र आएगा। कहता पाक फरमाया मत इस गल का ख्याल करी कि मैं तेन अता किया। तो ये जिंदगी के में जिन्हें आवास ने इंसान के जान है इनकी कुवत है ताकत है दिमाग का सोच और फिक्र है ये सारा अल्लाह अता किया। फरमाया कि मैं मोमिन की जान को भी खरीदना उसके माल को भी खरीद लिया किसते बदले वो जन्नत के जिंदे में सदा बहार बगाद है। इतने दूसरा असा अल्लाह पाक की अगर रजा के वास्ते अमल किया है खुदा की जात पाक की पर भुखे रहे हैं कोई शह छी है हराम खाना छड़िया ज्यादती करनी छी है बंदे की इज्जत और तौकीर की है तो कोई चीज भी जाया नहीं होगी। हर चीज का इवज तेन मिलना है मालिक नाम हमदा कि तू मेरे पर अगर अड टपी तो मैं वो भी लिख दिया। बाजार तू शह खरीदे ना और चंगी खरीदनी शह क्योंकि परखण वाला बड़ा हकीम ना है आखे ये कि मैं खुदा की रजा वास्ते तो दिल के खुद सताई हो तो फरमाते ने तो दिल के बेहतर भी जानता तो जो फरमाया कि रियाकारी की इबादत को मैं कबूल इखलास अगे फरमाते ने हजूर हक तआला की तौहीद और अमल में इखलास ही वहाँ चलने वाला सिक्का है और वही तुम्हारे पास काम है। फरमाते ने कि अल्लाह की जात पाक की बारगाह दे विच उसकी जात और सफात दे विच बेमिसलो बेमिसाल। और दूसरा फरमाया कि तौहीद की समझ उन्हों आ सकती है जिन्हों कुर्बे रिसालत नसीब हो
क्योंकि ईमान का हिस्सा है तौहीद दे उत्ते यकीन और रिसालत हुजूर दी खत्म नबूवत दे उत्ते हुजूर दी रिसालत दे उत्ते यकीन इन दोवां यकीना ते तस्दीका दा नाम ईमान है। कुरान पाक दे विच जिक्र आता है किधरे अल्लाह पाक दा कंदे दा जिक्र जात दा फरमाया किधरे अल्लाह पाक ने अपना और अपने महबूब दोवां दा इकट्ठा जिक्र फरमाया तो दोवां दी तस्दीक दा नाम की है ईमान है। तो फरमाया कि हक ताला की तौहीद और अमल में इखलास ही वहां चलने वाला सिक्का है और वही तुम्हारे पास काम है। फरमाते ने कि उस बाजार दे विच सच्चा सक्कर सिक्का चलता है और वो सच्चा सिक्का उन्होंने चलता जिन्होंने अल्लाह पाक ने अपनी मुहब्बत इश्क अता फरमाया क्योंकि उनके विच सवा महबूब की रजा तो होर कोई शय शामिल नहीं होंगी। तो मालिक फरमाता मेरी बारगाह दे विच जिहड़ा मेरे वास्ते आ गया है ना हर शय नूं कायम करके ही अल्लाह पाक ने फरिश्ते ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून मैं जानना ते तुसी कि जिस वक्त मेरी मुहब्बत दे विच आवेगा ना इन्हू कोई चीज नहीं फट सकेगी ना माल फट सकेगा ना इज्जत और शोहरत फट सकेगी ना औलाद फट सकेगी ना जान फट सकेगी। ये हर शय तो मां बराबर हो के आवेगा। मेरे हजूर फरमाने ने को काका दीवार दी करता एक आशिक बार छाली उतरता कई दीवार आके आईया उन्हें आके की किया उन्हें फरमाया कि उन्हें दीवार भी टप्पी तो फौल भी नहीं किया अजे बंद छाला मारते हैं ना कि रस्से तो बच्चे तुम खेला दे वेख्या दे अगर वो जरा जिनी उत्ती उचाई हो अगर वो छाल मारन वाला उसके जिसम का कोई हिस्सा लग जाए तो आदमी फाउल हो गया की हो गया फाउल रस्सी थले रह जाती वो तो उत्तों कर समझते जे और जिस वक्त तो फिर उतो गुजरते हैं तो वेखन आया भी एक लुतफा इस तरह फजा के तो जिमें मैदान इश्को मुहब्बत के अल्लाह ने जात पाक के आशिक जिस वक्त तो दीवारों को फलाकते हैं ना उस वक्त फरिश्ते भी आखते हैं कि सुभान अल्लाह क्या क्या क्योंकि जिक्र कुरान पाक मौजूद है कि बंदा हाल में कसरत जिस वक्त जाएगा तो वेखन आया होता है तिब तो अंजनाम कटा जाए तिब तो मुबारक होबारक होबारक हो फसाद करेगा खून रेजी करेगा असर फसाद भी किया खून रेजी भी की जुलम सितम भी किया अपने आप उत्ते भी किया समझते पै देना लेकिन मेरे मालक करीम की फरमाई नहीं आ लो माला तला मैं जानना तो तुम नहीं जानते ए देखो लरीदार पाक ने शायद फरमाया गौर के नाम सुने जी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वसी कल्ला दीन तक और रब्बा मेरे जन्नत जो मारा और ले जाया जाएगा उन्होंने जेने डरते रहने अल्लाह की जात पाक की मुहब्बत दे विच अपने रब की जन्नत की तरफ करो डर करो ये जेनी मुहब्बत और इश्क होंगी है ना ये दे चे आजजी होंगी इनकी सारी होंगी इन्हें मिटन होंगा समझ आई जी ए आकड़ मैं तुम दसा ना दिल नजरे नाज करते फिर गए न्याज समझते पाए दे किसी नाज मारे थे कि अपने दिल में सुपुर्द कर ते फिर तेनों की होगा फरमा देने ख्याल शायद तो बेनियाज हो जाएगा महमूद फिर बनेगा पहले आजाद हो जा तो फरमा देने अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सीख अल्लाह जी अपने रब को डरते रहे फिर जन्नत की तरफ ले जाया जाए। एक कैफियत बयान की।